आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं गोविंद बल्लभ पंत की। भैया बहुत ही ज्यादा उदारवादी नेता थे, पहले चीफ मिनिस्टर थे, भारत रत्न से इनको अवार्ड नवाजा गया था क्योंकि इनके काम ही इतने बढ़िया थे। इन्होंने काफी कुछ किया, यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद फिर भारत सरकार के होम मिनिस्टर भी बने। उस दौरान इन्होंने काफी अभियान चलाया, लगातार ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, उनके खिलाफ लड़ते रहे, सुभाष चंद्र जी को भी उनकी बातों पर सपोर्ट करते थे ये। हम बात करने वाले हैं गोविंद वल्लभ पंत की। आज इनका जन्मदिन है, इनकी जयंती है, इसलिए हम ये लेक्चर लेके आ रहे हैं भैया इनके बर्थडे पे स्पेशल, ठीक है। और वैसे भी ऐसे लोग कभी भी मरते नहीं है, ये लोग अमर हो जाते हैं, तो इनकी बात हम करेंगे। और इस लेक्चर की पीडीएफ मेरे फेसबुक पेज @_connect और मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है, दोनों ही जगह आपको मिल जाएगी। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने यूपीएससी की पूरी बुक लिस्ट और क्या क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में, कौन से क्लास की कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो अपने फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक पेज दोनों जगह अपडेट कर दी है। खजाना लाए हैं 22,500 रुपए में यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव प्री प्लस मेंस पेन ड्राइव कोर्स। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट विजिट करें या फिर नंबर्स पे कॉल करें। और एक चीज बताना चाहूंगा, ये हमने ऑप्शनल यूपीएससी के लिए भी काफी कोर्सेज जिसमें ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पवैड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पांचों कोर्स और भी आने वाले हैं, इन सब का भी पेनड्राइव कोर्स बनाया है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको भी जरूर अवेल कीजिए और अपनी अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। और साथ ही साथ आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं किसी भी पेन ड्राइव कोर्स को अवेल करने के लिए, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या क्या देखने वाले हैं अर्ली लाइफ। सबसे पहले बिल्कुल 10 सितंबर आज ही के दिन गोविंद बल्लभ पंत 1887 में इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड में ये पैदा हुए थे, अल्मोड़ा, बहुत ही सुंदर शहर है ये अल्मोड़ा, खूंत विलेज में, अल्मोड़ा जिले में जो आता है, यहां पे ये पैदा हुए थे। पता नहीं था कि इतनी ज्यादा ख्याति इनको मिलने वाली है। वैसे तो उस समय बहुत ही बुरी हालत थी भारत की, 1885 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही जन्म हो गया था, लेकिन इसके शुरू में जो मुद्दे थे वो काफी कुछ ब्रिटिश के मुद्दों से मिलते थे, तो इतनी ज्यादा शुरू में तो सक्सेस नहीं हुई, लेकिन धीमे धीमे गांधी जी ने अपनी फिलॉसफी से ऐसा कुछ कमाल किया कि कांग्रेस पूरी तरह से पलट गई, बदल गई, और उसके बाद फिर इस आजादी दिला दी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हुआ। वैसे तो और भी क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सबकी बायोग्राफी का मैंने रिव्यू किया है, अनसंग हीरोज का भी रिव्यू किया, जैसे उधम सिंह हो गए, खुदीराम बोस हो गए, इनकी भी बायोग्राफी आप देखिएगा, ठीक है, इनका भी अतुलनीय योगदान है, ठीक है, हिटलर का भी योगदान है थोड़ा बहुत तो ये चीज है। तो भैया इनका जो जन्म था वो 10 सितंबर 1887 में हुआ था। देखिए इनके पिताजी का जो नाम था वो थे मनोरथ पंत, सरकारी इनकी जॉब थी, ठीक है, उस समय सरकारी ऑफिस था, सरकारी ऑफिस संभालते थे, काफी ज्यादा इधर उधर ट्रांसफर होते रहते थे, तो इनको एक घर से दूसरे घर, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। लेकिन जो मेन इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर बचपन में, जो सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रभाव डाला, तो इनके नाना जी बद्री दत्त जोशी, जिनकी बेटी थी गोविंदी बाई और जिनके बेटे थे बल्लभ पंत, नाना जी थे बद्री दत्त जोशी। इतना ज्यादा ट्रांसफर होता था तो अपने नाना जी की इन्होंने शुरुआती पढ़ाई की, और ये क्रांतिकारी थे बद्री दत्त जोशी, ठीक है। उत्तराखंड जो कि उस समय काफी, मतलब जो अंग्रेज थे वो ध्यान नहीं देते थे और अपने राइट्स के लिए लड़ रहा था, वहां पे बद्री दत्त जोशी जो थे वो एक क्रांतिकारी रूप में आए और काफी जो लोकल प्रॉब्लम्स उसको एड्रेस करते थे। सबसे पहला जो इन्फ्लुएंस था वल्लभ भाई पंत का वो बद्री दत्त के द्वारा हुआ था। बद्री दत्त ने काफी उनको, उनके ऊपर प्रभाव छोड़ा था और फिर उनकी फिलॉसफी उन्होंने बहुत आगे तक वो ले गए। वैसे तो काफी उदारवादी थे ये, ठीक है, मॉडरेट लीडर थे ये, हिंसा में बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जब डिस्प्यूट हुई थी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस को लेकर, इन्होंने बोला सुभाष चंद्र बोस का नजरिया जो है वो सही है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत जो थे एक्सेलेंट स्टूडेंट थे, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट, हर चीज में निपुण, पढ़ाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे ये। और इसके बाद जो शुरुआती इनकी जो शुरुआती जो इनकी स्टडी हुई है, इन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन समय कॉलेज जो कि अल्मोड़ा में है वहां से पास किया, और उसके बाद फिर अलाहाबाद गए, वहां पे मुइर कॉलेज में ये पढ़े, ठीक है, वहां से इन्होंने स्कॉलरशिप ली और वहां से फिर ग्रेजुएट हुए। मैथ्स, इंग्लिश और पॉलिटिक्स, ये तीन सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे।
अब क्या है कि देखिए, गोविंद वल्लभ पंत जो थे ना, वो भी एक एमिड रीडर थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ते थे ये, चार्ल्स डिकन्स को पढ़ते थे ये, दादा भाई नायरोजी को पढ़ते थे ये, और गोपाल कृष्ण गोखले तो इनके पॉलिटिकल गुरु थे। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और बनारस सेशन जो हुआ था, वहां पे गोपाल कृष्ण गोखले की स्पीच सुन के कुछ ऐसा मंत्रमुग्ध हुए ये कि उन्हीं के रंग में रंग गए ये। उनको अपना उन्होंने फिर इनको गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल गुरु बना दिया। आपको पता ही है कि सूरत सेशन के बाद कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी। मैं बहुत बार ये हिस्ट्री जो है वो कवर कर चुका हूं अपने पुराने लेक्चर्स में। आप देखिएगा, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के जो लीडर थे वो गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले और किसके पॉलिटिकल गुरु थे, बिल्कुल सही पहचाना, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी गोपाल कृष्ण गोखले को बिल्कुल पिता समान मानते थे, अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। गोविंद वल्लभ पंत के भी ये पॉलिटिकल गुरु थे, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और काफी पढ़ते थे ये, वोल्टायर को पढ़ते थे, नायरोजी को पढ़ते थे, बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ते थे, चार्ल्स डिकन्स को पढ़ते थे, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने लॉ की डिग्री ली, 2 साल जब लॉ इन्होंने किया है वहां पे इन्होंने टॉप किया, इनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनकी ओरेटरी स्किल्स कितनी बढ़िया होगी, तार्किक शक्ति इस इंसान की कितनी बेहतरीन होगी। ऐसे ही लोग लीडर बनते हैं, ठीक है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने वाले, बिल्कुल सही रीजन के साथ। बहुत चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आपके पास रीजंस होने चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से बातों को स्पष्ट रूप से रखने वाले गोविंद वल्लभ पंत थे। और बाद में ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी भारत की बन रही थी, कानून को कानून को बनाना था, तो उसके लिए काफी कमिटीज जो थी वो गठन हुई थी। वल्लभ पंत उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और इनको काफी कमिटीज का हेड भी बनाया गया था, ठीक है। तो ये वल्लभ पंत का जादू था, ठीक है। अब क्या है कि उस समय था ब्रिटिश राज, जैसा कि मैंने बताया कि 1905 में शायद पार्टीशन ऑफ बंगाल में कुछ ऐसा कर दिया जो कभी नहीं हुआ। 1857 के बाद अगर कोई सबसे बड़ा उसके बाद मूवमेंट हुआ है तो वो हुआ है स्वदेशी मूवमेंट। लेकिन उसके बाद फिर जैसा कि मैंने बताया कि सूरत सेशन के बाद सब कुछ कबाड़ा हो गया और कांग्रेस ही टूट गई अपने में ही, ठीक है। लाल बाल पाल जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है। 1905 में बनारस अधिवेशन होता है, बनारस सेशन होता है, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत गोपाल कृष्ण गोखले को सुन के, और उसके बाद वो उनके पदचिन्हों पे चलना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अगर बात करें उसके बाद क्या हुआ, तो जब कांग्रेस टूटी, ठीक है, वैसे तो उदारवादी थे, जब कांग्रेस टूटी इन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो थी वो लॉयर की जारी रखी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनको सबसे बड़ा केस मिलता है 1914 में, जब इन्होंने कुली बेगर्स को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। देखिए क्या था केस, मतलब आप समझ रहे ना कि मैं यहाँ पे लॉयर के केस की बात नहीं कर रहा हूं। वो देखिए, इन्होंने जो प्रैक्टिस थी वो 1912 से स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, काशीपुर में स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अब क्या है कि इसके बाद इनको जो सबसे पहला मौका मिलता है वो मिलता है 1914 में। क्या था कि वहां पे कुली की कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब थी, भिखारियों की तरह इनको ट्रीट किया जाता था। बड़े बड़े जो है ब्रिटिश आते थे और इनसे सामान उठवाते थे और इनको कुछ नहीं देते थे, इनको बेइज्जती करते थे, इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने सीधा आवाज उठा दी, ठीक है। कुमाऊं रीजन भी उस समय बिल्कुल ही एकदम पिछड़ा था, वहां पे फिर और ज्यादा क्षेत्रीकरण कर दिया था, फॉरेस्ट का क्षेत्रीकरण ब्रिटिशर्स ने कर दिया था, तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। इसकी वजह से 1916 में एक कुमाऊं समिति भी बनी थी, उसके भी कुमाऊं संघ भी बना था, और उसके बाद फिर कुमाऊं परिषद भी बना था, ठीक है, तो उसके भी ये हेड बने। तो यहां पे क्या है कि इनकी सीधी जंग जो है वो ब्रिटिशर से हो गई है, ठीक है। इसी बीच 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया और गांधी जी फिर उसके बाद फुल ऑन चालू हो गए कि भैया ब्रिटिश हमको छोड़ के चले जाएंगे, जितना हो सके सपोर्ट करो। गांधी जी के संपर्क में आइए, और उनसे भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, गांधी जी भी भैया गोपाल कृष्ण गोखले को मानने वाले, ये भी गोपाल कृष्ण गोखले को मानने वाले। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, इसी बीच स्ट्रगल पूरा चलता रहता है और गोविंद वल्लभ पंत फुली एकदम रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर की तरह एकदम भारत को आजाद करने के काम में लगे रहते हैं। 1925 में काकोरी केस होता है, ठीक है, अगस्त 1925 में। चंद्रशेखर आजाद की बायोग्राफी जरूर देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मजा आ जाएगी आपको देख के। 1925 में काकोरी कांड होता है,
जितना भी ये जो उस समय टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है वो बिल्कुल ब्रिंक पे आ जाती है, चंद्रशेखर आजाद बच निकलते हैं वहां से, ठीक है, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खान नहीं बच पाते हैं। ट्रेन जा रही होती है, खजाना होता है, पैसे चाहिए टेररिस्ट एक्टिविटीज को, टेररिस्ट एक्टिविटीज मतलब क्रांतिकारी नीतियों को, मतलब अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है, क्रांतिकारी स्ट्रैटेजी या योजनाओं को ब्रिटिशर को भगाना है, तो हमको उनको सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे सारे उस समय रेवोल्यूशनरी मानते थे, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए पैसे, ट्रेन आती है ट्रेन को लूटो, ये प्लान था, काकोरी में ट्रेन रुकेगी, मालगाड़ी रुकेगी, सबको लूट लिया जाएगा, जो भी वहां पे यात्री होगा उसको कोई भी हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खान पकड़े जाते हैं, बच नहीं पाते हैं, चंद्रशेखर आजाद बच के निकल जाते हैं, आजाद है, आजाद थे, आजाद रहेंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, उनका तो यही नारा था। तो उनका केस उस समय गोविंद वल्लभ पंत ने लिया था, बहुत ही एक्सट्रीम केपेबल लॉयर थे, नाको चने चबवा दिए थे, लेकिन ब्रिटिशर तो उस समय ठान ही चुके थे ना भैया कि चाहे जो हो इन रेवोल्यूशनरी को तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर पकड़ में आ जाता था कोई रेवोल्यूशनरी, आपको पता है चंद्रशेखर आजाद, ये हमेशा उनको एक शिकायत रही थी, या सभी को शिकायत रही थी, चाहे भगत सिंह, कांग्रेस के लीडर्स के साथ बिल्कुल अलग व्यवहार होता था जेल में, और जो क्रांतिकारी लोग होते थे उनके साथ बिल्कुल अलग व्यवहार होता था। क्रांतिकारियों को खाना नहीं दिया जाता था, पानी नहीं दिया जाता था, भर भर के तबियत से मारा जाता था, बर्फ की सिल्लियों पे मारा जाता था। कांग्रेस लीडर्स के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था, शायद इसलिए क्योंकि कांग्रेस तो एक तो शुरू से ही थोड़ा सा ब्रिटिश ओरिएंटेड थी, दूसरी चीज ये थी कि कम्युनिकेशन का एक वे था, और तीसरी चीज गांधी जी की जो पॉलिसी है वो हमेशा जो है वो काम करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, नॉन वायलेंस की पॉलिसी, मैंने अपने सबसे पहले लेक्चर जब मैंने किया था, जब मैंने स्टडी आईक्यू के पढ़ाना शुरू किया था, गांधी जी की बुक का मैंने रिव्यू किया था, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि गांधी जी की पॉलिसी हमेशा काम करेगी, अगर आपने किसी के खिलाफ भी वायलेंस किया तो अल्टीमेटली फायदा उसका है, उसको तो एक मौका मिल गया आपको दबाने का, है ना, लेकिन अगर आप नॉन वायलेंट है तो कोई अगला कुछ नहीं कर सकता, आप अगले को झुकना ही पड़ेगा, ये गांधी जी की हमेशा से नीति रहती थी। और एक चीज बताना चाहता हूं कि इसी बीच क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया था, दो चीजों में बट गया था, एक थे एक्सट्रीमिस्ट जो गांधी जी मॉडरेट्स, गांधी जी उदारवादी, गांधी जी बोल रहे थे फिर से ब्रिटिश को सपोर्ट करो, शायद हमको आजादी मिल जाए, बाद में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, चल समझ गए थे। सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे नहीं, वो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत अच्छा मौका है, ब्रिटिश इतना ज्यादा कमजोर है, जितनी ताकत है लगा दो, ब्रिटिशर को मार भगाएंगे। दोनों की उस समय सुलह, मीडिएटर कौन बने, सुलह किसने करवाई, गोविंद वल्लभ पंत ने, तो गोविंद वल्लभ पंत मीडिएटर बने, बहुत ही अच्छी ओरेटरी स्किल्स थी, चीजों को बहुत ही सही ढंग से देखते थे, उसको आंकते थे, बिल्कुल उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का पक्ष लिया, और महात्मा गांधी भी फिर बाद में उनको ये पता चला कि ये ब्रिटिशर कुछ नहीं करेंगे, हम ही पे उल्टा राज करेंगे, और उसके वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी कुछ हमको नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ हुआ था उस समय भी, जब ये वर्ल्ड वॉर टू जो है वो शुरू होने वाला था। फिर सॉल्ट सत्याग्रह होता है 1930 में, अब यहां से गोविंद वल्लभ पंत, वैसे तो छोटे छोटे टाइम पे गोविंद वल्लभ पंत जो है वो जेल जाते रहे हैं, लेकिन 1930 में महात्मा गांधी के आंदोलन के बाद, ठीक है, सब लोग जेल गए, आपको पता ही है, दांडी मार्च के परिणाम ही नहीं थे, परिणाम ही यही थे कि जितने भी लोग इसको अटेंड कर रहे हैं सबको जेल में डालो, तो गोविंद वल्लभ पंत भी जेल में गए, ठीक है, फिर 1933 में भी जेल में गए। तो यहां से गोविंद वल्लभ पंत ब्रिटिश के खिलाफ बिल्कुल उन्होंने ऑल आउट वॉर छेड़ दिया था, और अब तो फिर या तो इस पार या उस पार, उत्तराखंड का ये नेता जो है, अल्मोड़ा का जो ये नेता है ना, अब ये उभर के आने वाला था। 1935 में मौका मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब एक्ट आता है, ठीक है, मैंने बताया था ये 1909 में स्टार्ट हुआ था, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आए थे, हर 10-10 साल में हम कानून को रिव्यू करेंगे, उसके बाद 1919 में मॉन्टेक्स क्लेम्स फोर्ड करके आया था, पूरी तरह से बर्बाद रिफॉर्म, जलियांवाला बाग के इंसिडेंट को इसने इग्नाइट कर दिया, बहुत बड़ा मसाकर था, उस पर मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। उसके बाद 1929 में आने वाला था, लेकिन 1927 में आया साइमन कमीशन के नाम से आया, जिसमें हमारे बहुत बड़े बहुत प्रिय नेता कौन थे, वो याद है, लाला लाजपत राय को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लाठियों से उन पर वार किया गया था, भगत सिंह इतने ज्यादा गुस्सा, इतने
ज्यादा गुस्सा गए थे कि सीधा जाके बम ही फोड़ दिया था असेंबली में। और गोविंद वल्लभ पंत को भी यहां पे भयंकर तरीके से लाठियां पड़ी थी, वो भी बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय को बचाने में। तो कुछ इस तरह का हुआ था। और लाला लाजपत राय तो बोली गए थे कि मेरी ताबूत में एक एक कील तुम्हारा कफन होगी, याद रखना, जो भी मेरी कील ठुकेगी वो ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करेगी। ये तो सीधा सीधा उनका कहना था, है कि नहीं, और यही उन्होंने किया। उसके बाद फिर अगेन जैसा कि मैंने बताया कि 1940 में फिर पूरी तरह से जो ऑल आउट वॉर होता है भारत का ब्रिटिशर के खिलाफ, इधर वर्ल्ड वॉर टू शुरू, भारत बार बार फोर्स, ब्रिटिशर बार बार फोर्स कर रहे हैं, पूरी दुनिया बार बार फोर्स कर रही है कि भारत को वर्ल्ड वॉर टू में लेके आओ, गोविंद वल्लभ पंत भी पूरा इसमें घुसे हुए हैं, उनको अरेस्ट किया गया, इम्प्रिजन किया गया। लेकिन 1935 में मैं आना चाहूंगा, 1935 की बात है, सॉरी मैं टॉपिक से थोड़ा साट गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, सीटें मिलती हैं यहाँ पे कांग्रेस को, ठीक है, इलेक्शंस आप लड़ सकते हैं, सीटें मिलती हैं, एक पूरा कानून भारत का खुद का, फाइनली बहुत बड़ी जीत थी ये। हाँ, पूरी तरह से आजादी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा इनको मौका मिल गया था। और यहां पे गोविंद वल्लभ पंत को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको उत्तर प्रदेश बाद में गोविंद वल्लभ पंत नहीं किया, रीनेम किया था यूपी, गोविंद वल्लभ पंत नहीं। दो साल तक 1935 से लेकर 1937 तक ये चीफ मिनिस्टर रहते हैं, और उसके बाद तो पूरी कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था फिर, ठीक है, इस तरह की कंडीशन आ गई थी, ब्रिटिशर ने ऐसे ऐसे वो पॉलिसीज ले आए थे कि पूरी कांग्रेस ने ही डू और डाई सीधा इस्तीफा दे दिया था। तो फिर गोविंद वल्लभ पंत ने भी बाद में इस्तीफा दिया था, और उसके बाद फिर इनके पास मौका आया था। देखिए, ब्रिटिश को तो पूरी तरह से लॉस मिल गया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, तभी मैंने बताया था कि एडोल्फ हिटलर का भी बहुत बड़ा हाथ है वर्ल्ड वॉर टू के कारण। उसके बाद ब्रिटिश इतना कमजोर हो गया था कि उसको पीछे हटना ही पड़ा, ठीक है। और उसके बाद फिर भारत ने फुल ऑन जो ये वॉर करना शुरू किया है गांधी जी के नेतृत्व में, और भी जो नेता थे, सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा रोल था, उनकी भी बायोग्राफी को मैंने रिव्यू किया है, लाखों लोग देख चुके हैं, जरूर देखिएगा, ठीक है, उनकी तो ऑटोबायोग्राफी को इनफैक्ट मैंने रिव्यू किया हुआ है, एन इंडियन पिलग्रिम। तो 1945 के बाद सब कुछ बदल गए, ठीक है, सरकार ही चेंज हो गई गवर्नमेंट की, ठीक है, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकारी चेंज हो गई, लेबर गवर्नमेंट आ गई, जो कि भारत से, भारत को बहुत पहले ही वो पक्ष में थी, विंस्टन चर्चिल तो हत्यारा था, बहुत पक्ष में थी लेबर गवर्नमेंट कि भारत को आजादी दे ही दो, अब बहुत ज्यादा हो गया। प्राइम मिनिस्टर एटली जो है वो फाइनली उन्होंने आजादी दी, माउंट बैटन आए, जून 3 का प्लान लेके आए, 11 जून को जेवी क्रिपलानी इसके मतलब इस पूरी मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे थे। पेश किसने किया था, देखिए 3 जून को माउंट बैटन प्लान आता है, इसमें भारत का बंटवारा निश्चित है, ठीक है, इसको फिर पास किया था 11 जून को, और इसको पेश किसने किया था इस पूरे के पूरे मतलब इस डॉक्यूमेंट को कि ये जो बिल है ये फाइनली पास होगा, ये थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। तो हर कमिटीज का इनको हिस्सा बनाया जाता था, इनको बिल्कुल भी दूर नहीं रखा जाता था, इनके ज्ञान की जो थी वो जरूरत सबको पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद ये फिर ये यूपी के जब आजादी मिली भारत को, और एक चीज बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी भारत की फॉर्म हुई थी, कानून बनाना था, बीआर अंबेडकर जो थे उनको हेड बनाया गया, फिर और बहुत सारी सब कमिटीज जो थी वो बनी, सबका जो क्या कहते हैं कि सबका एक्सपीरियंस जो था वो बहुत जरूरी था, ठीक है। आपको एक चीज बताता हूं, आपको पता ही है कि बीआर अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, पूरा खाका जो तैयार करना है। आपको पता है बीआर अंबेडकर का नाम किसने रिकमेंड किया था, वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे बीआर अंबेडकर, नॉन कांग्रेस ही थे, ठीक है। हमेशा से गांधी जी और बीआर अंबेडकर के बीच में टसल चलती रहती थी। गांधी जी ने ही बोला था कि बीआर अंबेडकर बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है और इनको, इनके ज्ञान की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है और इनके एक्सपीरियंस की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग उठ रही थी, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है, तो गोविंद वल्लभ पंत ने इनको बिल्कुल अपोज किया था, बोले ये सुसाइडल है, अल्टीमेटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और यही लोग जो इस समय सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे हैं एक दिन ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे और इनके लिए ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग जो थी वो पूरी तरह खारिज की। खैर, कहानी आगे बढ़ती है, भारत को आजादी मिलती है, 1946 से लेकर 1954 तक चीफ मिनिस्टर रहते हैं ये यूपी के, पहले चीफ मिनिस्टर थे ये यूपी के। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश जो नाम था ना वो इन्होंने ही सुझाया था,
हाँ यूनाइटेड प्रोविंस था ना पहले, इन्होंने हिंदी भाषा को भी, इन्होंने मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान था हिंदी भाषा को हमारी लैंग्वेज बनाने में। दूसरी चीज, इन्होंने जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया था, ठीक है, हिंदू कोड बिल, जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता था, सब सारी प्रॉब्लम्स की वजह यही था। और कोई भी इंसान आता जो जिसको जो बहुत ही अच्छा लीडर होता है या जिसको जरा सी भी समझदारी होती, सबसे पहले उसको यही करना था। तो गोविंद वल्लभ पंत ने सीधा जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया, हिंदू कोड बिल पास किया, जो बहुएं हैं उनको राइट्स दिए, ठीक है, जो उस समय जो जो हिंदू बहुएं थी या जो लड़कियां शादी होके आती थी उनको राइट्स दिए पूरी तरह से, कि आप डाइवोर्स दे सकती हैं, आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अक्सर लड़कों को ही दी जाती है लेकिन आप भी रख सकती हैं। तो ये सारी चीजें उन गोविंद वल्लभ पंत लेके आए थे, और काफी रिफॉर्म उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे 1955 से लेकर 1961 तक। ये होम मिनिस्टर भी रहे, एज अ होम मिनिस्टर भी इन्होंने काफी कुछ किया, ठीक है। बहुत ही, एक तो चीज ये थी ना कि काफी इंटेलिजेंट थे, दूरदर्शी के नेता थे, और जो भी दूरदर्शी का नेता होता है ना उसको कोई जरूरत नहीं है। पंत कमेटी भी बनी थी, आपको ये भी बता दूं कि पंत कमेटी भी 1931 में बनाई गई थी लैंड रिफॉर्म्स के लिए। लैंड रिफॉर्म्स करना बहुत ज्यादा जरूरी थे, आज भी पूरी तरह से इसको सेटल नहीं किया जा सका है, बहुत ही ज्यादा इसमें प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो ये चीज थी। फिर 1955 से 1961 तक एज अ होम मिनिस्टर भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा, आपको पता ही, उस समय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया था, स्टेट को रीऑर्गेनाइज, देखिए भारत को आजादी मिल गई, भारत का कानून बन गया 26 जनवरी 1950 में। अरे अब क्या, अब जितने भी स्टेट्स हैं ना उनको मिलाओ आपस में कुछ भी करके। तो ये इसका काम जो है वो गोविंद वल्लभ पंत ने बहुत ही अच्छे से किया। लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे इन्होंने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया, दिन रात काम किया, और हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने बोला, इनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। तो ये चीज थी, और इसी की वजह से, इतने बेहतरीन काम की वजह से इनको भारत रत्न मिला। 26 जनवरी 1957 में इन्होंने जो सर्विस की है सबके लिए, एक बेहतरीन एक्टिविस्ट, रेवोल्यूशनरी नेता, पॉलिटिशियन, ऐसे नेताओं की हमको सच में समय जरूरत है, ठीक है। और पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश और होम मिनिस्टर, मतलब 1955 से लेकर 1961 तक कांग्रेस में इनको भारत रत्न मिला। तो ये चीज थी, गोविंद वल्लभ पंत का ये योगदान था। फिर उसके बाद इनकी जो डेथ हुई, मैं डेथ पे बात ही करना भूल गया, 1961 में इनकी डेथ हुई थी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। 1961 में इनको हार्ट अटैक आता है, ठीक है, और 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बहुत कोशिश की उनको बचाने की, 1900 वैसे तो इनकी उम्र भी काफी हो गई थी, और 1960 में जो हार्ट अटैक आया था उससे भी काफी हेल्थ जो थी वो प्रॉब्लम में आ गई थी, और उसके बाद फिर इनको एक सेरिब्रल स्ट्रोक भी आ गया था। तो फिर उसके बाद तो ये पता ही था कि दिक्कत होने वाली है, और फाइनली 1961 में, मार्च 1961 में ही अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद इनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और वो यही बोलते हैं कि इनके जैसा नेता भाई वाकई में नहीं था, जमीन से जुड़े हुए थे, उदारवादी नेता थे, काफी इनके अचीवमेंट्स थे, लैंड रिफॉर्म से लेकर हिंदू कोड बिल से लेकर, और जो भी राइट्स देने की बात है सारे के सारे इन्होंने की। लिंग्विस्टिक भाषा पे, भाषा के आधार पे इन्होंने, मतलब भाषा के आधार पे इन्होंने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया, कमाल के लीडर थे ये, ठीक है, डिजर्व करते थे भारत रत्न, और वाकई इनका अतुलनीय योगदान है। आज इनकी जयंती है 10 सितंबर, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन चलिए हम ऐसे ही अब लेक्चर्स लाते रहेंगे ऐसे महान महान लोगों की जयंती पे। तो आज ये गोविंद वल्लभ पंत पे ये लेक्चर था, ठीक है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। क्विक रिमाइंडर, ऑप्शनल कोर्स के लिए भी भाई हमारे पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, ये 5 कोर्सेज हैं, जरूर अवेल करिए, वेबसाइट या नंबर्स पे कॉल करिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।